आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से लिए गए हैं। बेटा इस पीडीएफ में टोटल 30 क्वेश्चन हैं, इसे हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लेवल्स इन लिविंग बींग्स। बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। बेटा कम्युनिटी के बाद पॉपुलेशन आ रहा है तो यहाँ ये फॉल्ट पकड़ी गई, ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। बी मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा, लेकिन हम सी और डी को भी पढ़ेंगे। सी ऑप्शन में बोल रहा है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम, यानी सी गलत हो गया। पॉपुलेशन बड़ा है, ऑर्गन सिस्टम छोटा है। डी ऑप्शन है एटॉमिक, मॉलिकुलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, फिर इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी। इकोसिस्टम के पहले कम्युनिटी आएगा, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। व्हेन देन द राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर टू, मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। बेटा कॉलम वन को कॉलम टू से मैच कराना है, हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन। ए दे रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, आप जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रिलेटेड टू लीनियस। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नस्ट मायर को कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस एंड फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। ये नाम आपके लिए नया है, बाकी तीनों तो आप ऑलरेडी जानते थे। अब ऑप्शन मैच कराएंगे, ए का थर्ड दो में है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी ये भी दोनों में है, फादर ऑफ बॉटनी ये है फर्स्ट ऑप्शन में, यानी सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा इज द राइट। द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियन ट्री इज रिटन एज फाइकस बेंगालेंसिस येल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। लेटर येल सिग्निफाइज द लैटिन लैंग्वेज, गलत। लेटर येल बेटा आर्थर साइटेशन है। द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद बेंगालेंसिस प्रोसीडिंग फाइकस, गलत। लेटर येल सिग्निफाइज द टेक्सोनामिस लीनियस वेरियस। क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, बेंगालेंसिस इज जेनरिक नेम, गलत बता रहा है, बेंगालेंसिस स्पेसिफिक नेम होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर ऑफ कॉमन नेम एंड बायोलॉजिकल नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेटा इसमें हम कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम का मैचिंग कराना है मुझे। पैरा रबर, बेटा पैरा रबर का साइंटिफिक नेम होता है हैविया ब्रेसिलेंसिस, इसे याद कर लेंगे। टी थियासाइनेंसिस, अर्थबर्म, फेरेटिमा पोस्टमा, फ्रॉग बुफो मेलानोस्टिकस। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रिना एंड द राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, लीनियन सोसाइटी ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन। बेटा लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होती है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आइडेंटिफाई द मिसिंग कैटेगरीज ए बी सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज। अब बेटा आपको हायरार्की क्लासिफिकेशन में मैंने क्लास में पढ़ाया था कि स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, उसके बाद से फाइलम और डिवीजन आता है और सबसे ऊपर किंगडम है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि जो ए है वो क्या होगा फैमिली, जो बी है वो क्या होगा क्लास, और जो सी है वो क्या होगा किंगडम। अब एक चीज़ और मैंने यहाँ बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं करेक्टर्स मोर जनरल होते जाते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं करेक्टर मोर स्पेसिफिक होते जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे आते हैं डाइवर्सिटी घटती जाती है। यही दो ट्रेंड हम लोग पढ़े थे। अब ऑप्शन बोल रहा है ए इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन ए नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा वेरियस। एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी बी आर मोनोकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडनी एंड ममेलिया। बेटा ये भी ठीक है। सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये गलत हो गया। एंड द एग्जाम्पल ऑफ सी आर फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा एट्सेट्रा। तो ये भी ठीक है, यानी वन टू एंड फोर किस में मिल रहा है ऑप्शन सी, एंड द राइट ऑप्शन इज सी फॉर चेन्नई। द नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर एंड्स विथ एल्स, यानी ऑप्शन बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर एट, सेलेक्ट द मिस मैच पेयर, पेंथ्रा लियो बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया वेरियस,
मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड, बेटा हाउस फ्लाई का नाम होता है, इसलिए ऑप्शन हमें मिल गया बी। एंट अमीबा कोलाई, ये एक प्रोटोजोअन है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है और कोलाइटिस पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोलेनम ट्यूबरोशम एक डाइकार्ट का पौधा है, फैमिली शोलोनेसीज, पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द ऑड वन इन फॉलोइंग सीरीज, ऑड वन सैपियंस अमेरिकाना रोटंडस एनी हेमीडेक्टाइलस, बेटा सैपियंस अमेरिकाना और रोटंडस ये तीनों स्पेसिफिक एपिथेट नेम है और जो हेमीडेक्टाइलस है वो क्या है, जेनरिक। तो राइट ऑप्शन डी। की इज ए टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड कपलेट, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड कपलेट। राइट ऑप्शन इज ए, सॉरी, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड एंड द पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कपलेट। तो राइट ऑप्शन इज बी। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 कॉलम 2 बोटेनिकल गार्डन, बेटा बोटेनिकल गार्डन में हम लोग लिविंग प्लांट्स को रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो लिविंग वाइल्ड एनिमल्स को रखेंगे। म्यूजियम्स की बात करें तो म्यूजियम्स में प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। वहीं पर हर्बेरियम की बात करते हो तो यहाँ पर प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन को ही हम ड्राई करके रखते हैं। अब ऑप्शन मैच करा लेंगे, बोटेनिकल गार्डन ए का सी, ए का थर्ड दो में दिया है, जूलॉजिकल पार्क बी का 4 दोनों में दिया है, सी का यहीं पे कन्फ्यूजन है, सी का 2 होगा, तो सी का 2 किस में है बेटा, ऑप्शन बी, यानी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, म्यूजियम्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट को रीड करना है एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इन करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वेरियस। राइट ऑप्शन, म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस, ये भी ठीक है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स आर जार्स इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, ये भी ठीक है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, वेरियस। स्केलेटन ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू बी केप्ट इन म्यूजियम्स, बेटा अलाउ होता है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। डी में 6 ओनली दिया है, यही राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम 1 विथ कॉलम 2 मैच कराते हैं। इकोलॉजी, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, हर्बेरियम। कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स, वेरियस। होलोटाइप, ओरिजिनल स्पेसिमन साइटेड बाई एन ऑथर, ये होलोटाइप होता है, टाइपिफिकेशन, जो कि अब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, पहले इसको पढ़ाया जाता था। मैच द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन में ये आते हैं क्वेश्चन, टैक्सॉन ए हायरार्कियल यूनिट, तो अब ऑप्शन मैच करा लेते बेटा, इकोलॉजी ए का 1st 3 में दिया हुआ है, हर्बेरियम ए का 4 दो में 1 में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द बर्ड टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट ए, बेटा बर्ड जो है वो ना फैमिली है, ना ऑर्डर है और ना फाइलम है, बर्ड है ये एक क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, वेरियस। फाइसेलिया एपिस एंड एलियंथस रिप्रेजेंट द जेनरिक एपिथेट, ये भी ठीक है। मोनोकॉटिलेडोनी एंड डाइकॉटिलेडोनी आर 2 क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ये भी ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ये गलत है बेटा, सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा है। टोटल डाइवर्सिटी का 70% एनिमल और टोटल एनिमल डाइवर्सिटी का 70% अकेले इंसेक्ट होते हैं जो मेंबर्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। थैंक यू।